क्या दोस्तों, आप भी साबेक्स कंपनी का शेयर होल्डर हो तो कंपनी का दोस्तों करंट प्राइस देखो तो स्टॉक 40 रुपीज़ के आसपास जाके आया है, पर टच कर नहीं पाया। ठीक है ना, तो कंपनी का यहाँ पर रिटर्न देख सकते हो कि कहाँ तक गया था स्टॉक, ऑलमोस्ट 38 रुपीज़ टच करके आया है। और कंपनी का 1 मंथ का रिटर्न देखा जाए और 6 मंथ का, तो देख सकते हो इस साल का कोई रिटर्न ऐसा कोई खास है नहीं। ठीक है, और कंपनी का दोस्तों पास रिटर्न इतना ख़राब है नहीं दोस्तों। ठीक है, तो देख सकते हो मार्केट में लिस्टेड हुआ था 2020 में लॉकडाउन के बाद, कह सकते हो लॉकडाउन का लास्ट में ही नहीं और मिडिल में कह सकते हो। ठीक है ना, तो देखा जाए तो देखो कि स्टॉक मार्केट में अभी के टाइम पर या बहुत ज़्यादा ही ऊपर है। लिस्टिंग हुआ था जब, उसके बाद 50 रुपये से भी ऊपर गया था, और अभी भी स्टॉक नीचे है थोड़ा सा, पर वापस ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है, यहाँ से ब्रेक ले सकता है दोस्तों ऊपर की जाने का। ठीक है ना, पर इसका अगर टारगेट कहा जाए तो हो सकता है आने वाले टाइम में दोबारा दोस्तों इसका हाई ये बीट कर दे, तो उसी अंदाजे से पैसा लगा सकते हो। पर दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस करके पैसा लगाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ना किसी भी स्टॉक में पैसा लगाना मेरे को नहीं लगता कि अच्छा है दोस्तों, तो ध्यान रखना ही है।